अस्सलाम वालेकुम मैम, दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू नोज़ एग्जामिनेशन। सो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन और कॉन्सेंट करना है, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फलाँ है, मैं आपकी नाक का मुआयना करूँगा। इस दौरान अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है ना कि सबसे पहले हम लोगों ने नोज को ऐसे ही देख लेना, इंस्पेक्ट कर लेना कि बाहर से कोई हमें एबनॉर्मेलिटी वगैरह तो नज़र नहीं आ रही, ठीक है। देख लेना कि कोई डेविएशन वगैरह तो नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, पैरानिजल साइनसिस जो है वो स्वेल तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इंस्पेक्शन हमारी हो गई है, ठीक है। अब हम आते हैं पल्पेशन पे, ठीक है। पल्पेशन में हम लोगों ने क्या करना है ना, सबसे पहले हमने नाक के जो हमारे पास ब्रिजेस हैं, ठीक है, उसको हम लोगों ने पल्पेट करना है, ठीक है। ये ब्रिज हो गया, ये एला हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, पहले एक नाई एक नोज को पल्पेट करना है, फिर दूसरी नोज को हम लोगों ने पल्पेट करना है, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है ना, ये हमारे पास होता है टंग डिप्रेसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा हो, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है ना कि पेशेंट की एक नॉस्ट्रल्स को बंद करना है और दूसरे से बोलना है कि सांस जो है वो बाहर निकाले, ठीक है। जब वो बाहर निकालेगा तो यहाँ पे ये जगह फोग अप हो जाएगी। देखिए, जैसे आपको इस पिक्चर में वीडियो में नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जगह फोग अप हो जाएगी। इसी तरह हम लोगों ने सेम चीज़ दूसरी नाक में भी रिपीट करनी है, ठीक है। अब ये हो जाए, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है ना कि हम लोगों ने कोई भी स्मेल ले लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉफी ले लेता हूँ या कोई परफ्यूम वगैरह ले लेता हूँ, ठीक है। हमने पेशेंट का चेक करना है कि उसकी स्मेल नॉर्मल है कि नहीं है। तो हम लोगों ने सेम चीज़ करनी है, एक साइड को बंद करना है, दूसरी साइड से उसको स्मेल करवाना है, ठीक है। फिर दूसरी साइड को बंद करना है और दूसरी साइड से हम लोगों ने स्मेल करवाना है कि उसकी स्मेल जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्यूडिकम, ठीक है। अब क्यूडिकम मेरे पास नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। उसको हम लोगों ने मैं होल्डिंग कैसे उसको पकड़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ आप लोग देख लो, ठीक है। क्या करना है ना, उसको क्लोज करके हम लोगों ने नाक में ले जाना है, ठीक है। नाक में ले जाना है, ठीक है। अब नाक में लेके जाने के बाद हम लोगों ने उसको खोल देना है। जब वो खुल जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोगों ने नाक में जो जो स्ट्रक्चर्स हैं, एबनॉर्मेलिटीज वगैरह हैं, वो हम लोगों ने देख लेनी है। ये हम पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में हमने टंग डिप्रेस करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं राइनोस्कोप, ठीक है। उसकी पिक्चर मैं इंसर्ट कर दूंगा। वो हमारे पास ऐसे कर्व टाइप होता है, ठीक है। और उसके आगे मिरर लगा होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है ना कि सबसे पहले हमने उस मिरर को हीट अप करना है, ठीक है, ताकि जब हम लोग ये मिरर इंसर्ट करेंगे पोस्टीरियर नेजल कैविटी में, ठीक है, तो फोग अप ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पेशेंट को कहना है कि मुंह ओपन करें। जब वो मुंह ओपन करेगा तो हम ये तो मैंने टंग डिप्रेसर से डाल दिया, और इसके बाद हम लोग वो जो हमारे पास राइनोस्कोप होता है वो हम लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और उससे हम लोग पोस्टीरियर नेजल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद हम लोग जो है एंड में लिम्फ नोड्स एग्जामिन कर लेते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास लिम्फ नोड होते हैं, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर, सुपरफिशियल सर्वाइकल, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, सुपराक्लेविकुलर और ऑक्सीपिटल, जितने भी लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, वो कर लेते हैं, ठीक है। और एंड में हमारी नोज की एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू, जजाकल्लाह खैर।